नमस्कार दोस्तों, गैजेट एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने ये जो स्टार्टर रखा हुआ है एग्रीकल्चर मोटर स्टार्टर, तो दोस्तों ये अभी बंद है। इसे सिंगल पेज पे किस प्रकार चेक करना और इसमें क्या प्रॉब्लम है ये आपको सब बताते हैं। तो शुरू में दोस्तों इसे आप यहाँ लगा दीजिए। अभी दोस्तों इस प्रकार इसे दोनों टर्मिनल लगा दिए, उसके बाद इसे ऑन करके देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ वर्क नहीं कर रहा है, अब इसे निकाल लीजिए सप्लाई। अभी दोस्तों इसे सीरीज से ही चेक करना होता है, यहाँ किस प्रकार की सीरीज। तो अभी दोस्तों इसका सबसे पहले इस कॉइल को चेक करना होता है, देख लीजिए। इस दोनों टर्मिनल पे इसे लगाना, ये लगाने के बाद दोस्तों सीरीज से ये स्टार्ट होने को ना। तो दोस्तों ये जल नहीं पा रहा है, तो दोस्तों ये कॉइल बंद है। उसके बाद आप इसका रिले चेक कर लीजिए, ये रिले ओके। इस आखिरी वाले छोर पे दो टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ये दो, ये बीच वाला एक और ये आखिरी वाला। तो दोस्तों ये रिले यहाँ तक ओके है। बाद में आप इसके ये दोनों टर्मिनल पे लगाइए और इसे पुश करके देख लीजिए, ये देख लीजिए ये ऑन ऑफ कर रहा है। बाद में इस तरफ देख लीजिए। तो दोस्तों ये रिले भी सही है। तो अभी आप देर ना करते हुए इसका कॉइल रिप्लेस करवाएंगे, फिर बाद में चेक करेंगे। दोस्तों कुछ इस पर जंग भी लगा हुआ है, इसे हम पॉलिश पेपर से साफ कर लेते हैं। इस तरीके से इसके पेपर से साफ कर लेना होता है। और दोस्तों इसे कोई भी ऑयल लगा देना, इस प्रकार का मोटर गैरेज वाला ऑयल या पुराना कोई ऑयल, कोई भी ऑयल लगा देना। अभी दोस्तों इसकी कोई पट्टी भी ख़राब है, हमें पट्टी रिप्लेस करवा लेते हैं, देख लीजिए इस तरह की पट्टी आती है। इसके नीचे स्प्रिंग होता है दोस्तों, इस कॉइल को भी दोस्तों डाल्टी ट्रेम चेक करना होता है, ये देख लीजिए सीरीज बल्ब जल रहा है, बहुत कम जलता है, देख लीजिए लाल कलर का ओके। और ये मैग्नेट पर्च करती है दोस्तों, वाइब्रेट करती है कॉइल, ये देख लीजिए ओके। अभी हम इसे कनेक्ट करवाते हैं दोस्तों। दोनों कनेक्ट कर दे दोनों।
दोस्तों अभी इसे कनेक्ट किया है, अभी चेक करते हैं इसे चालू होता है या नहीं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये ऑफ, ये ऑन। तो दोस्तों इसका ये कॉइल जला हुआ था और अब हमने इसे ऑन कर लिया। और दोस्तों ये सिंगल फेज पे भी स्टार्ट करते आता है, देख लीजिए। तो दोस्तों हमने सिंगल फेज पे स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जानकारी नहीं होती इसे किस टाइप चेक करते हैं, सबसे शुरू में आप इसका कॉइल चेक कीजिए सीरीज में। कॉइल चेक करने के बाद रिले को चेक कीजिए, जैसे ये टर्मिनल और इधर। तीसरी बात, इसके ऑन ऑफ पट्टी चेक कीजिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो दोस्तों आपको हमने अभी वीडियो में बताया, ये कॉइल बोलते हैं दोस्तों, इसे कुछ इस प्रकार की होती है। ये कॉटन में, कॉटन का कपड़ा लगा हुआ होता है और ये कुछ पीवीसी कोटिंग आती है, दोनों एक ही कॉइल होती है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम इसका आपको किस प्रकार चेक करते हैं इसे कॉइल को, इसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों हमने उसमें इस वाला सीरीज बल्ब से चेक करके बताया। तो दोस्तों अगर आपके पास सीरीज बल्ब नहीं होगा तो ये टेस्ट लैम्प से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत से आप इसे इस प्रकार चेक कीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए लाइट जलने लग गया। तो दोस्तों ये कॉइल चालू है, इसको भी चेक करेंगे, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये दोनों कॉइल एक ही है, ये हमने चेक करके बता दिया। अब दोस्तों आपको मैंने इसके रिले की भी जानकारी दी, इस रिले को किस प्रकार चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो टर्मिनल तीन होती है और इधर चार होती है, तो इस वाले हिस्से से आप इसे चेक कीजिए, ओके यहाँ नहीं बताएंगा। तो आप इसके पास वाले टर्मिनल को लगाइए, ओके। उसके बाद ये जो आखिरी वाला हिस्सा होता है इसे यहाँ भी और इस हिस्से पर भी, दोनों पे बताएंगा। तो दोस्तों ये हमने चेक कर लिया। तो अभी ये ऑन ऑफ पट्टी, तो दोस्तों हम इस पट्टी को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये स्विच होता है, ये बारीक वाला स्विच होता है। तो दोस्तों इस स्विच को हम पुश करते हैं तो ये ऑफ होता है लाइट, छोड़ते हैं तो ऑन होता है। इस वाले पुश में क्या होगा दोस्तों, आप इसे जब पुश करेंगे तो ये ऑन होगा और जब इसे छोड़ेंगे तो ऑफ होगा। तो इस प्रकार इसे चेक करते हैं। और तो इसे चेक करने के बाद हमने इसे ओके पाया। तो दोस्तों इसको हमने आपको काम करते टाइम भी बताया है कि किस प्रकार चेक करते, आपको उसमें समझ नहीं आया होगा तो हमने इसे खोल के चेक करवा दिया और आपको उसके अच्छे तरीके से जानकारी दे दी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।